हे एवरीवन, तो आज हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो कि हर क्रिएटर को ज़रूरत पड़ती है एक वीडियो क्रिएट करने के लिए। और इसका कॉस्ट इतना होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको सारे जो भी प्रोसेस है वो डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ है इसका नाम PVC पाइप है। आपको किसी भी शॉप, हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाएगी। बस करना कुछ भी नहीं है, PVC पाइप लेना है, उसे हीट की हेल्प से फ्लैट कर लेना है और उसके चार पीसेस निकाल लेने हैं। पीसेस का जो साइज़ होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग 3 mm लेना है जो कि एक नॉर्मल रिंग लाइट की साइज़ होती है। हाँ, हम यहाँ पर जुगाड़ करके रिंग लाइट बनाने जा रहे हैं और देखते हैं ये रिंग लाइट हमारा कितना पावरफुल और कितना वर्कफुल ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे सारे पीसेस को एक एक करके चिपका लिया है। और इस बात का ध्यान रखना कि PVC पाइप जो फैब्रिक क्विक होती है ना, उससे बहुत अच्छे से चिपक जाती है, तो हमें उसी का हेल्प लेना है। और ये फिर से मैंने जो पहले कट किए थे उससे और पतले पतले स्ट्रिप कट कर लिए। तो ये 1.5 mm का है और इसे इस तरह से चारों ओर चिपका लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो फैब्रिक क्विक अच्छे से डालना, इस पर कंजूसी नहीं करना, और फिर से 1.5 mm का स्ट्रिप कट करना। इस बार जो स्ट्रिप होंगी वो पहले वाले से थोड़ी लंबी लंबी होंगी, तो उसे कट करके फिर से चारों तरफ अच्छे से चिपका लेना। और देखना ये हाथ पे ना चिपके, क्योंकि हाथ पे चिपकती है तो बिल्कुल भी नहीं छूटती है, फिर वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। तो उसके बाद आप कोई सा भी ये स्ट्रिप लाइट ले सकते हो और उसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका सकते हो सारे साइड्स पे। तो ये वर्क काफ़ी केयरफुली करना है, वरना स्ट्रिप लाइट अगर बेंड हो गई ना कहीं से तो वो बाद में जलेगी नहीं, इसीलिए इसे थोड़ा केयरफुली करना। जैसा प्रोसेस में बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करना। ऐसे प्रोसेस आपको समझ में तो आ ही गया है, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने पूरे में चिपका लिया। और देखो ये अभी से ही कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो एक बार जब ये चिपक जाए अच्छे से तो हमें दूसरा प्रोडक्ट जो लेना है वो फिल्म पेपर है। ये आपको फैन रिपेयर शॉप पे मिल जाएगी। इसके भी साइज़ के अकॉर्डिंग जो मेज़रमेंट है वो ले लेनी है प्रैक्टिकली, और उसे इस तरह से डिज़ाइन में कट करना है। देखो हम जो भी मार्केट से लेने जाते हैं ना रिंग लाइट, तो अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो हमें कम से कम वो 1500 तक की तो आएगी, बट ये जो हम घर पे बना रहे हैं ना इसे में मुश्किल से हमें 150 रुपया खर्च हुआ होगा। तो जब हम 150 रुपये में इतनी अच्छी लाइट बना सकते हैं तो फिर हम 1500 क्यों देने जाएं। और इस तरह से जब हम अपने घर पे यूज़ किया हुआ DIY ख़ुद क्रिएट करें तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरह से आप भी अपने पैसे बचा सकते हो, और आप एक और तरीके से अपने पैसे बचा सकते हो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। और देखो ये बिल्कुल रिंग लाइट वाली लुक दे रही है। हाँ, डिफरेंट इतना है कि इसमें आपको सर्कल नहीं स्क्वायर मिल रहा है। और फिर मैंने इसे कनेक्ट कर लिया अडेप्टर की हेल्प से, और इस तरह से मैंने स्टैंड भी बनाया हुआ है, तो स्टैंड में मैंने लगा दिया। और इसका पावर देख ही सकते हो, ये रिंग लाइट से बिल्कुल भी कम नहीं है।